हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में रियलमी 9i, रेडमी 10 प्राइम और इन्फिनिक्स नोट 11 का कंपैरिजन दिखाने वाला हूं एंड साथ में इन तीनों मोबाइल का एंटूटु टेस्ट एंड डाउनलोडिंग टेस्ट भी दिखाने वाला हूं। और दोस्तों ये तीनों मोबाइल 4GB 64GB वेरियंट वाले मोबाइल हैं। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों फर्स्ट हम इन तीनों मोबाइल को स्विच ऑन करते हैं और देखते हैं कि कौन सा मोबाइल सबसे पहले ऑन होता है एंड कौन सा मोबाइल सबसे लास्ट में ऑन होता है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, सबसे पहले Redmi 10 Prime स्विच ऑन हो चुका है, इसके बाद Realme 9i स्विच ऑन हो चुका है एंड लास्ट में Infinix Note 11 भी स्विच ऑन हो चुका है। अब सेकेंड टेस्ट में हम इन तीनों मोबाइल का एंटूटु टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि कौन से मोबाइल का एंटूटु स्कोर ज़्यादा है और कौन से मोबाइल का एंटूटु स्कोर कम है। दोस्तों तीनों मोबाइल का एंटूटु टेस्ट हो चुका है जिसमें Realme 9i का स्कोर 2,26,000 है, Redmi 10 Prime का स्कोर 1,68,000 है और Infinix Note 11 का एंटूटु स्कोर 2,03,000 है। मतलब कि दोस्तों Realme 9i का एंटूटु स्कोर सबसे ज़्यादा है और Redmi 10 Prime का एंटूटु स्कोर दोनों मोबाइल के मुकाबले थोड़ा कम है। अब नेक्स्ट दोस्तों हम इन तीनों मोबाइल में फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि कौन से मोबाइल का फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक फास्ट है। दोस्तों वैसे तीनों मोबाइल के फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक अच्छे हैं, लेकिन Realme 9i एंड Infinix Note 11 का फिंगरप्रिंट Redmi 10 Prime के मुकाबले ज़्यादा फास्ट है। अब नेक्स्ट दोस्तों हम इन तीनों मोबाइल में डाउनलोडिंग टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि कौन सा मोबाइल सबसे फास्ट है। और जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने इन तीनों मोबाइल को सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया है। अब चलो डाउनलोडिंग टेस्ट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फर्स्ट राउंड में सबसे पहले Realme 9i में ऐप डाउनलोड हुई है, फिर Redmi 10 Prime में हुई है, इसके बाद Infinix Note 11 में ऐप डाउनलोड हुई है। अब सेकेंड राउंड में देखते हैं कि क्या होता है। दोस्तों सेकेंड राउंड में भी इस बार सबसे पहले Realme 9i में ऐप डाउनलोड हुई है, इसके बाद Redmi 10 Prime में ऐप डाउनलोड हुई है और लास्ट में Infinix Note 11 में ऐप डाउनलोड हुई है। तो दोस्तों फर्स्ट एंड सेकेंड ऐप्स की डाउनलोडिंग का रिजल्ट सेम है। अब देखते हैं कि लास्ट राउंड में क्या रिजल्ट आता है। तो दोस्तों लास्ट राउंड का रिजल्ट भी फर्स्ट एंड सेकेंड जैसा ही है। मतलब कि इस बार भी सबसे पहले Realme 9i में ऐप डाउनलोड हुई है, फिर Redmi 10 Prime में ऐप डाउनलोड हुई है, इसके बाद Infinix Note 11 में ऐप डाउनलोड हुई है। तो सिंपल बात है दोस्तों, डाउनलोडिंग स्पीड Realme 9i की सबसे अच्छी है। अब नेक्स्ट दोस्तों हम इन तीनों मोबाइल में ऐप्स ओपन करेंगे और देखेंगे कि कौन सा मोबाइल ऐप्स ओपन करने में फास्ट है।
तो दोस्तों टोटल 15 ऐप्स है, जिसमें से रियलमी 9i में 3 ऐप पहले नंबर पर ओपन हुई है, 6 ऐप दूसरे नंबर पर ओपन हुई है एंड 5 ऐप तीसरे नंबर पर ओपन हुई है। और Redmi 10 Prime में 15 में से 5 ऐप पहले नंबर पर ओपन हुई है, 6 ऐप दूसरे नंबर पर ओपन हुई है एंड 2 ऐप तीसरे नंबर पर ओपन हुई है। और Infinix Note 11 में 15 में से 8 ऐप पहले नंबर पर ओपन हुई है, 2 ऐप दूसरे नंबर पर ओपन हुई है एंड 4 ऐप तीसरे नंबर पर ओपन हुई है। तो दोस्तों सिर्फ एक ऐप में टाई हुई है, मतलब कि तीनों मोबाइल में सेम टाइम पर ऐप्स ओपन हुई है। मतलब कि दोस्तों ऐप्स ओपन एंड लोड करने में Infinix Note 11 एंड Redmi 10 Prime अच्छे हैं। और अब लास्ट टेस्ट में हम इन तीनों मोबाइल में रैम मैनेजमेंट टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि कौन सा मोबाइल बैकग्राउंड में ऐप्स रन करने में अच्छा है। तो दोस्तों Realme 9i में 5 में से एक भी ऐप बैकग्राउंड में नहीं चल रहा था और Redmi 10 Prime एंड Infinix Note 11 में 5 में से एक एक ऐप बैकग्राउंड में चल रहा था। तो दोस्तों ऐप्स को बैकग्राउंड में रन करने में तीनों मोबाइल बिलो एवरेज है। तो दोस्तों ये था Realme 9i, Redmi 10 Prime और Infinix Note 11 का कंपैरिजन वीडियो। वैसे दोस्तों तीनों मोबाइल अच्छे हैं और Infinix Note 11 एंड Redmi 10 Prime Realme 9i के मुकाबले थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं और Realme 9i से थोड़े सस्ते भी है। सो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।